5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस ने ट्विस्ट दे दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ये वीडियो 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में उसी फ्लाईओवर का है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार करीब 20 मिनट तक फंसी थी। कांग्रेस ने वीडियो में दिख रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल उठाया है और पूछा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम के इतने नजदीक आने क्यों दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम की सुरक्षा देश का कर्तव्य है, लेकिन सुरक्षा चूक के नाम पर पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। ये वो वीडियो है जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर का 5 तारीख का ये वीडियो है जब लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर फंसा रहा। और कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने करीब क्यों आने दिया गया, लेकिन 5 जनवरी का ये वीडियो जो कांग्रेस आपको बता रही है वो हमने आपको दिखाया। अब जो बात कांग्रेस छिपा रही है आपके लिए वो बात जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए, पीएम का काफिला अलग लेन में है और ये कार्यकर्ता जो आपको नजर आ रहे हैं ये दूसरी लेन में है। दूसरी बात, पीएम मोदी की कार आगे रास्ता बंद होने की वजह से रुकी थी और इसी दौरान बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, अगर वहां बीजेपी के नेता पहुंच भी गए थे तो उन्हें हटाने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, जिसमें पंजाब पुलिस फेल साबित हुई है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, ये अब कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसको कैंपेन के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी पर लगाए जा रहे हैं जबकि जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की बनती है। विस्तार से बताइए। आउटर सर्किल की जो सुरक्षा होती है वो कहीं भी स्थानीय पुलिस ही करती है। जैसे अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो प्रधानमंत्री के की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं उसका सबसे बाहरी घेरा जो होता है वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी रहती है उसकी सुरक्षा की। जैसे आप किसी रैली स्थल को समझ लें कि रैली में अगर मंच पर प्रधानमंत्री हैं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द एसपीजी के लोग होंगे, लेकिन जो रैली का स्थल जो होगा उसके जो गेट होंगे, जो बाकी बैरिकेडिंग जहाँ लगाई जाएगी, वहाँ पर सारे आपको दिल्ली पुलिस के जवान नज़र आएंगे। तो ये बाहरी सुरक्षा हमेशा से ही स्थानीय पुलिस करती है। और इस वीडियो में भी आप देखें तो क्योंकि प्रधानमंत्री दूसरी सड़क से जा रहे थे और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री के नज़दीक किसी को आने दिया गया तो शायद कांग्रेस ये सवाल पूछ रही होगी, पंजाब की सरकार से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कैसे पुलिस ने उन लोगों को नज़दीक आने दिया। हालाँकि वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि एक ही रूट आप देख ही रही है, जैसे कि आप बता भी रही थी कि एक सड़क जो है उसको बंद रखा गया था प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे को खोला गया था। तो ऐसी स्थिति में और आगे बैरिकेडिंग है, प्रधानमंत्री आगे जा नहीं सकते थे, तो पीछे से जो लोग आए वो वहाँ पे नज़दीक पहुँचे। उसके बावजूद आप देखिए कि जो शख्स प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाते हैं वो एसपीजी के अधिकारी होते हैं, उन्होंने तुरंत गाड़ी वहाँ से हटाया है। जाहिर तौर पर ये उनके लिए सहज स्थिति नहीं होती, ये हमने विदेशों तक में देखा, अमेरिका तक में मैं इस बात को पे ध्यान देता था कि जब भी वहाँ पर जो NRI लोग हैं वो बहुत खुशी में नज़दीक आते थे, एसपीजी एकदम असहज होती थी और उनकी ये कोशिश रहती थी कि पीएम को किसी तरीके से या पीएम की गाड़ी को वहाँ से हटाया जाए। वही स्थिति इस वीडियो में भी दिख रही है। जाहिर तौर पर सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे मानने के बजाय पंजाब की जो सरकार है या कांग्रेस पार्टी है वो लगातार जो नए नए तर्क गढ़ रहे हैं या नए नए तथ्य लाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक मिथ से ज्यादा उसमें बहुत वजन नजर। देवेंद्र, अब ये क्या कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है? एक तरफ कांग्रेस के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर इस तरह का वीडियो सामने आता है, इस तरह का ट्वीट किया जाता है जिसमें एसपीजी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं जबकि ये जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होती है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ये कहती हैं पंजाब की मुख्यमंत्री से कि ये जो कुछ हुआ ये बेहद ही अफसोसजनक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी। तो इस तरह की अलग अलग लाइंस क्यों नजर आ रही हैं? जी, निश्चित तौर पे ये चीज़ दिखा रहा है कि इस मसले को लेके एक ढुलमुल स्टैंड रहा है। और हमें ये बताया गया कि कल की कैबिनेट की बैठक में भी कई सारे मंत्री जब प्रधानमंत्री से इस बाबत बातचीत कर रहे थे तो वहाँ भी ये चर्चा आई थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का जो रवैया था वो अंतिम दो दिनों में बदल गया था। दो दिन पहले तक वो इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे कि प्रधानमंत्री पंजाब आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर लगातार चन्नी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करते थे और सलाह मशवरा करते थे। वो खुद उन्होंने बताया था कि वो मौजूद रहेंगे उस जगह पर जब प्रधानमंत्री आएंगे उनकी अगवानी करने के लिए,
लेकिन अंतिम दो दिनों में प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले अंतिम दो दिनों में मुख्यमंत्री चन्नी का रवैया बदला हुआ था, ऐसा बहुत सारे केंद्रीय नेताओं का, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का कहना है। और उसके पीछे वो ये वजह बता रहे थे कि शायद दिल्ली से ये आदेश गया हो जिसके चलते मुख्यमंत्री चन्नी का वैसा रवैया रहा था। ये ज़रूर है कि कल शायद जनमत को देखते हुए ये मैसेजिंग करने की कोशिश की गई कि सोनिया गांधी इस बात से सहमत नहीं, वो जांच की बात कह रही हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन वही सोनिया गांधी, परसों उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, राहुल गांधी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, उल्टे कांग्रेस के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हाउ इज द जोश पूछ रहे थे, दिग्विजय सिंह का आपने बयान देखा, तमाम दूसरे कांग्रेसी नेताओं का आपने बयान सुना। रैली को लेकर मजाक उड़ाना वो एक पॉलिटिकल बात थी, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना जनमत के लिहाज से भी देखें तो शायद कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, पद का सम्मान और गरिमा तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस की पंजाब सरकार पूरी तरह से फंस गई है और उसने वीडियो गेम खेलना देखिए अब शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस स्पॉन्सर्ड वीडियो से सच छिप नहीं सकता है, क्योंकि आज जो सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे पंजाब की सरकार, वहां की पुलिस और पूरी स्टेट मशीनरी ने पीएम की जान से खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के ऊपर जब प्रधानमंत्री की कार 20 मिनट तक रुकी रही, इस वीडियो में प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के ठीक सामने दिख रहे हैं। पीएम के काफिले के सामने दोनों लेन पर बसेस खड़ी हैं, प्रदर्शनकारियों के हाथ में झंडे हैं और उस दौरान भी सोचिए कोई अप्रिय घटना अगर हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, कुछ हो जाता तो फिर कैसे इसको जस्टिफाई किया जाता। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये गाड़ी में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, फ्रंट सीट को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं और ये वो फ्लाईओवर है जहां 5 तारीख को 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा। मीटर के फासले पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है जो पीएम के काफिले को घेरे हुए दिख रहे हैं। इस काफिले के सामने दोनों लेन पर कई बसें और कारें खड़ी हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में झंडे दिख रहे हैं। काफिले के पीछे ट्रैक्टर और कई गाड़ियां लगी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी में लगी एसपीजी के कमांडोज को इस बात की चिंता हो रही थी कि पीएम को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एसपीजी का एक कमांडो आगे बढ़कर देख रहा है रास्ता क्यों बंद है और पंजाब पुलिस क्या कर रही है। 5 जनवरी को फिरोजपुर फ्लाईओवर का ये सबसे नया वीडियो है जो पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। ये वीडियो बता रहा है कि कैसे पीएम मोदी फिरोजपुर में फंसे थे, कैसे प्रदर्शनकारी पीएम के इतने पास पहुंच गए थे। न सिर्फ पंजाब सरकार बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बार बार दावा कर रही थी कि फ्लाईओवर पर प्रदर्शन कर रहे लोग पीएम मोदी के काफिले से दूर थे। ये वीडियो हर उस दावे की पोल खोल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।